ये मेरा बैड लक ही है कि मेरा बेटा खेल खेल में गिर गया और पता नहीं कैसे हाथ के बल गिरा और इसके हाथ में इतना दर्द हुआ कि ये हाथ फिर घुमा नहीं पाया और बहुत पेन हो रहा था, बहुत रोया जा रहा था। तो मैं हस्बैंड को कॉल की, वो तुरंत अपने काम से काम हम छोड़ कर आए और फिर बेटी को लेके हम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल गए। वहाँ इसका एक्सरे हुआ, एक्सरे में इसके एल्बो के पास थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया है, तो अब इसको इस प्लास्टर किया जा रहा है। थोड़ी सूज गई थी यहाँ और बहुत दर्द हो रहा था मेरे, तो इस टाइम पे मैं साइड में बैठी थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना कि ये बड़ा होकर देखेगा। एक पेरेंट्स हम मम्मी पापा कितने परेशान और कितने दुखी हो जाते हैं, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ दुख होता है, बच्चों को कुछ चोट लगती तो उससे ज़्यादा दर्द मम्मी पापा को होता है। तो ये कोई सिंपैथी के लिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएं और बहुत मुझे सपोर्ट करें, नहीं, ये मेरी रियल लाइफ है, मैं सब कुछ अपना रियल शेयर करती हूँ। तो ये जाता हुआ साल ना बहुत बुरा कर गया, वैसे भी ये 2021 बहुत ही बुरा रहा है। मैं दो दो बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, बीमार हुई हूँ और बच्चों की वजह से तो हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, लाइफ है तो ये होता ही रहता है, मैं बहुत केयर करती हूँ और भगवान को भी बहुत मानती हूँ। तो जीवन में सुख है तो दुख भी है, तो दोनों को हमें हंस हंस के संभालना है और जीना भी है, तो ज़िंदगी इसी का नाम है। और ये फैमिली ब्लॉग है तो ये शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो इसे कपड़े पहनाने में, सर्दियों ने बहुत परेशानी हो गई मुझे, वैसे ये 2-3 दिन में एक बार नहाता था, अब मुझे नहलाने में भी दिक्कत और कपड़े पहनाने, 4-5 कपड़े पहनता था तो अभी इसकी दीदी का एक जैकेट ही पहनाई हूँ मैं। मतलब बहुत सारी परेशानी हो रही है, ये बाहर जा नहीं सकता खेलने, हर वक्त इस पे मेरी नज़र होती है और ये खेल खेल में हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी और ये खेल रहा था और कब क्या हो गया ना, तो जो होना रहता है वो होके रहता है। 3 बच्चों की मम्मी हूँ तो बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, तो पहले तो मैं बहुत रोती थी बच्चों के साथ, जब भी कुछ होता था बच्चों को तो मैं उससे पहले मैं रोना स्टार्ट कर देती थी, पर अब मैं केयर कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ और स्ट्रांग हूँ। ये है, ये अपने पापा का बेटा है, जब तक इसके पापा होते हैं ये अपने पापा के साथ ही खाता है, पिता उन्हीं के साथ लगे रहता है और हस्बैंड ड्यूटी जाने से पहले इसे अपने हाथों से खिला कर ही जाते हैं और उसके बाद सारा दिन तो मैं ही इसे हैंडल करती हूँ। ये वाला करो। यहाँ पे 7 लिखो पहले, 7 3, वेरी गुड, 72, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, मेरा प्यारा बच्चा। पढ़ाई करना तो जरूरी है ना भाई, जब हाथ में फ्रैक्चर हुआ, बैंडेज लगा हुआ है इसके, खेल सकता है एक हाथ से, गेम खेल सकता है फ़ोन पकड़ के, टीवी देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता पढ़ाई करने के टाइम में। तो मैं छोड़ती नहीं हूँ भाई, पढ़ाई भी करवाती हूँ, तो राइट हैंड से अपना काम कर रहा मेरा बच्चा, अपना पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे हुआ था। मेरा गुड बॉय, मेरा सोना बेटा है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा। हाँ। ना ना ऐसे नहीं दिखा, नहीं दिखा, गंदी बात।